नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली बीमारी यूरिन इन्फेक्शन के बारे में कि महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है, किस कारण से होता है, उसके लक्षण क्या हैं, उसका बचाव, उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों यूरिन इन्फेक्शन जो है, इसमें बैक्टीरिया जो है यूरिथ्रा से, जिससे हम यूरिन पास करते हैं, यूरिथ्रा से प्रवेश करके यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वहां ये ग्रो करता है और वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है। महिलाओं में जो है वो यूटीआई होने के चांस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि महिलाओं में यूरिथ्रा बहुत छोटा होता है, इस वजह से वहाँ महिलाओं में संभावना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की ज़्यादा रहती है। दोस्तों उसका एक मुख्य कारण ये होता है कि जो महिलाएं टॉयलेट में जेट पंप का बहुत ज़्यादा यूज करती हैं, इसलिए उनमें इन्फेक्शन होने की, यूटीआई होने का चांस ज़्यादा रहता है, या वो बॉडी को क्लीन करने के लिए केमिकल्स का, बहुत टाइप के केमिकल्स यूज करते हैं, इसलिए इनमें यूटीआई होने का चांस रहता है। और तीसरा ये है कि वो महिलाएँ जो अपनी जो है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं या अपने अंडर गारमेंट्स प्रॉपरली चेंज नहीं करते, उनको ये दिक्कत ज़्यादा होती है। दोस्तों और ये कारण होता है कि जो महिलाएँ पानी बहुत कम पीती हैं, यूरिन को रोक के रखती हैं, उनको भी ये चांस बहुत ज़्यादा होता है। कुछ जो होते हैं कि जैसे मीनोपॉज की कंडीशन में या कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है, उस दौरान भी यूटीआई होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उस दौरान होता ये कि जब मतलब प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो उस दौरान जो है यूरिन वगैरह पास करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो लोग यूरिन को रोक के रखते हैं, तो उसमें यूरिन के इन्फेक्शन यूटीआई होने का चांस ज़्यादा रहता है। दोस्तों कुछ महिलाएं होती हैं जिनको डायबिटीज़ की दिक्कत होती है, शुगर की दिक्कत होती है, उनको भी यूटीआई होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और दोस्तों अब हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स ये होंगे कि इनमें पेशाब बार बार आएगा, यानी कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, यूरिन में बर्निंग होगी, यानी पेशाब जब जाएंगे तो उसे बहुत ज़्यादा जलन पड़ेगा, पेट में दर्द भी हो सकता है और बैक साइड में भी दर्द, कमर में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि यूटीआई जब होता है तो वो किडनी में भी इन्फेक्शन कर देता है। लंबे समय तक यूटीआई बने रहने पे किडनी में भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी में भी पेन होने लगता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा दिन तक किडनी में अगर इन्फेक्शन या यूरिन में इन्फेक्शन बना रहता है, तो कभी एक मेन सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को कभी कभार ब्लड भी आने लगता है यूरिन में। ये सब सिम्टम्स के बारे में हो गई बात। अगर पेशेंट ये सिम्टम्स आ रहे हैं और उनको इग्नोर कर रहा है और लंबे समय तक ऐसे रह रहा है, तो पेशेंट को हाई फीवर आ सकता है, तो उसको बहुत ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट भी लेना पड़ सकता है, हाई एंटीबायोटिक्स भी खाने पड़ सकते हैं। इसलिए अगर ये सिम्टम किसी भी महिला को, किसी महिला पेशेंट को हो रहे हैं, तो इन पर थोड़ा ध्यान दें, तुरंत डॉक्टर से मिले जाके। दोस्तों इनके बचाव क्या हैं? दोस्तों बचाव ये होगा कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, मसालेदार चीज़ कम खाएँ, क्योंकि मसालेदार चीज़ खाने से एसिडिक बॉडी में बनता है, एसिडिक नेचर हो जाता है, और बैक्टीरिया जो है वो भी एसिड में ग्रो बहुत ज़्यादा तरीके से करते हैं, इसलिए मसालेदार चीज़ कम खानी है, पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है, और हरी सब्जी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, इस चीज़ों का बचाव करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या जो यूटीआई, हम इससे कैसे बचाव करें। बचाव का सबसे पहला कारण, मतलब मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी, मसालेदार चीज़ बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि मसाले का नेचर भी एसिडिक होता है, वे जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो भी एसिडिक होते हैं, और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें बिल्कुल। और नेक्स्ट है कि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग के लिए केमिकल्स का यूज ना करें, और जो भी मेल्स यानी जो लेडीज़ यूरिन को पास आउट नहीं करते या रोक के रखते हैं या स्टूल को पास आउट नहीं करते, तो ये नहीं करना है, यूरिन और स्टूल को फौरन पास आउट करें, रोक के रखने पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और जिससे यूटीआई बढ़ने के चांस रहते हैं, हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो पेशेंट की टोटेलिटी के अकॉर्डिंग ही होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है, तो इसका टोटेलिटी ऑफ सिम्टम लेके जो सिंगल मेडिसिन सिलेक्ट होता है वो मेडिसिन दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मेडिसिन होगी कैंथरिस क्यू। अगर पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब को रोक नहीं पा रहा है, तो उसमें कैंथरिस क्यू फॉर्म में लेंगे, मदर टिंचर फॉर्म में, 15-15 बूंद में 3 बार लेनी है, 15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम को, आधे कप पानी में 15 बूंद लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है बर्बरिस बल्गेरिस क्यू, ये भी मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है, ये भी 15-15 बूंद में 3 बार लेनी है, आधे कप पानी के साथ। इसका मेन सिम्टम होता है कि पेशाब में जलन और दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बैक साइड में कमर में दर्द बहुत ज़्यादा करेगा। दोस्तों ये किडनी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो इसको भी हम 15-15 बूंद में 3 बार लेंगे, आधे कप पानी के साथ। नेक्स्ट मेडिसिन आती है पेट्रोसिलाइनम।
दोस्तों पेट्रोसिलाइनम जो है यह मेडिसिन 30 प्रेगनेंसी में दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट जीभ में डाल के लेनी है। और नेक्स्ट मेडिसिन आती है टर्बेंथनी ओलियम, दोस्तों यह मेडिसिन जो है ये अगर किडनी में इन्फेक्शन के साथ साथ यूरिन में इन्फेक्शन है और यूरिन करते समय ब्लड आ रहा है तो दोस्तों ये मेडिसिन मत 1 हफ्ते तक यानी 7 डेज तक आपको लेनी है। इसकी डोज है 4-4 बूंद में 3 बार डायरेक्ट जीप पे डालनी है। दोस्तों पेट्रोसिलाइनम 30 प्रेगनेंसी और टर्बेंथनी ओलियम 30 प्रेगनेंसी, ये दोनों 30 प्रेगनेंसी मेडिसिन जो है हमको 20 से 25 दिन यूज करनी है। अगर ब्लड आ रहा है तो लंबे समय तक, अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो केवल पेट्रोसिलाइनम 30 प्रेगनेंसी इनमें 3 बार यूज करनी है और टर्बेंथनी ओलियम हफ्ते भर यानी 1 वीक तक यूज करनी है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।